राधे दोस्तों, आज हम कहेंगे मंगलवार पौराणिक व्रत कथा। तो ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधि व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार का व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसने क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधि व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।